ये गोले ने मुझे उकसाया। उसने बोला कि आप टप्पू की स्पिन बॉलिंग खेल ही नहीं सकते, इसलिए मैं वो क्रिकेट खेल रहा था। मैं बोल रहा था इनको कि यहाँ पे क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पे इन लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने आया था। सरप्राइज? 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 हाँ, सरप्राइज मेरे घर में है लेकिन अभी। अरे ये सुनो, एक बोलो, आजू बाजू भी लोग रहते हैं। अंकल बताइए ना, सरप्राइज क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताइए ना प्लीज। फ्रेंड्स, सरप्राइज यहाँ है। सुनो अरे सबसे पहले ये बता कि कुफरी का कैंप कैसा रहा? वहाँ पे खाना कैसा था? हम लोग को मिस किया कि नहीं? क्या क्या देखा, क्या क्या किया वो तो बता। अरे उसे बोलने तो दो, एक एक करके सवाल पूछो ना तुम लोग। बोल बोल सुनो बोल। कैंप बहुत अच्छा रहा और मैंने आप लोगों को बहुत 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 मिस किया। वहाँ पे मैंने हॉर्स राइडिंग की, ट्रेकिंग की और मैंने याक भी देखा और गोली खाना तो बहुत ही अमेजिंग था। खेलने चलते। नहीं नहीं एक मिनट, बाबा का सरप्राइज तो हो गया पर मेरा सरप्राइज अभी बाकी है। क्या लेकर आई होगी? सरप्राइज। सोनू सरप्राइज क्या है क्या? फ्रेंड्स मैं तुम लोगों के लिए स्पेशली कुफरी से गिफ्ट लेके आई हूँ। गोली ये तेरे लिए, चप्पू ये तेरे लिए, थैंक यू सोनू, पिंकू ये तेरे लिए, थैंक यू मेरा, और ये रहा तेरा गुफ्त। मस्त है ना? वाओ बहुत मस्त कलर है। थैंक यू सोनू, थैंक यू सो मच। सोनू बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये देखो मुझे छोटा हो रहा है। अरे एक्सचेंज कर दो ना आपस में। सोनू तू सिर्फ स्वेटर ही लाई है तू? और क्या चाहिए? गोले? नहीं मतलब कुफरी की कोई फेमस खाने की चीज लाती तो अच्छा होता। हाँ लाइए ना, बर्फ लाइए बर्फ। लेकिन बर्फ आने तक पिघल गई होगी ना जी। गोगी मैं तुम लोगों के लिए अखरोट लाई हूँ। अखरोट? वाह नहीं, उसको तोड़ के खाते हैं बड़ा। हाँ तो माधुरी आंटी मेरे दांत से टूट जाएगा। ए संभालो नहीं गोले, नहीं तो दांत टूट जाएगा। हाँ टूटला दांत? नहीं नहीं बिड़ंगल दांत नहीं, अखरोट टूट गया। मजबूत है एकदम। हाथी के दांत है ना? हाथी के दांत? गुलाब कुमार हाथी है ना शेवटी। अच्छा सोनू हमारे लिए कुछ लाई हो के? एक्चुअली बाबा ये सब खरीदने में ही सारे पैसे खत्म हो गए। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है। सॉरी बाबा। नहीं नहीं कहीं हरकत नहीं बड़ा। हरकत ना काय, आई मैंने आपके लिए स्पेशली एक डिजाइनर बैग ली है। ये लो आई। अरे वाह मतलब अपने बाबा के लिए कुछ नहीं लाई? हाँ ऐसा हो सकता है बाबा कि मैं आपके लिए कुछ ना लाऊं? आपके लिए मैं स्पेशल मफलर लाई हूँ। अरे इसी में तो था, पता नहीं कहाँ गया। आ गया मतलब देखो इसी में होगा। कहाँ गया? अरे देखो ठीक से वो इसी में था। हाँ के दूसरे बैग में था? नहीं इसी में था। मिलना तो चाहिए, रखा करते तो ढूंढना पड़ेगा ना। तुम कैसे गले में मफलर डाल के? ये
क्या क्या तुमच्या लेकीने आणलाय? वा 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 सोनू क्या बात है? आहा क्या बात है विडंगल, आप तो एकदम आपके जमाने के सुपरस्टार लग रहे हो। yes! है ना, लग रहा हूँ ना मैं। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, यानी हम सबके भिड़े अंकल ने सोनू के आने की खुशी में क्लब हाउस में क्रिकेट खेलने की परमिशन दी है। तारक, तारक आपका ये काम कब खत्म होगा? टाइम लगेगा अंजलि। तारक थोड़ा जल्दी कीजिए ना, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज अभी डिस्टर्ब मत करो, मुझे लिखने दो, बहुत काम है प्लीज। हाँ लेकिन तारक। अरे अंजलि क्या लिंक तोड़ देती हो अंजलि। गाने की आवाज कहाँ से आ रही? फोन से? रिंग तो नहीं है मेरा। मैं रिंगर को क्या? अंजलि तुम फोन कर रही हो मुझे? क्या अंजलि ये? तारक टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर रही हूँ। मैं जो कहना चाहती थी वो इसके थ्रू कह रही हूँ, क्योंकि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अरे फिर काम करना भी जरूरी है अंजलि, प्लीज मुझे इस वक्त लिखने दो। देखो अभी लिखना बड़ा जरूरी है, सुबह रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाएगा सोसाइटी में, शोर शराबे में नहीं लिख पाऊंगा मैं। तो मैं हूं ना सरकार, मैं किस दिन काम आऊंगी? मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? हाँ अंजलि तुम मेरी मदद करोगी? क्या क्या बोलिए बोलिए। बेडरूम में जाओ, एसी ऑन करो और सो जाओ। आ? तारा गुड नाइट अंजलि, गुड नाइट। हाँ सुबह बात करेंगे, गुड नाइट। गुड नाइट। तो फिर आज की रात बाहर ही सोना ठीक है तारक? अंजलि अंजलि बेटा हो गई दादा बाबा, कोई भी काम सोनी के रात पे आ जाना, 20% डिस्काउंट। देख लीजिए बेटे भाई, लीकेज क्रैक कलर सब काम हो गया। सोसाइटी क्या मस्त लग रहा है? नहीं एकदम चमक रही है अपनी गोकुलधाम सोसाइटी। छोटी भाई जो रिपेयरिंग के पहले जो कलर था उसी पे टचअप किया। भाई भिड़े सब बराबर चेक कर ले, काम परफेक्ट हुआ है कि नहीं, बाद में बोलना मत कि ये नहीं हुआ ने वो नहीं हुआ। नहीं नहीं चेक तो करूंगा ही ना भाई, आइए आइए कर। बाहर क्रिकेट खेलने का मजा ही नहीं आया ना। हाँ लेकिन फ्रेंड्स अभी सोसाइटी रेडी हो गई है तो अभी हम लोग यहीं पर खेलेंगे। हाँ। लेकिन पहले भिड़े अंकल को पूछ लेते हैं। चलो 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 भिड़े अंकल। एक मिनट एक मिनट, वैसे सोसाइटी में काम तो एकदम परफेक्ट हुआ लगता है, बस मजबूत होना चाहिए। लीकेज का प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना आगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा बबलू भाई अभी सबसे मेन बात, रिपेयरिंग के पैसे कितने हुए? 2 करोड़ के आसपास। थोड़ी ना होता है यार। अरे 2 करोड़ में तो पूरा विंग नया बन जाएगा। अरे विंग क्या, पूरी एक नई बिल्डिंग बन जाती है। पोपटलाल क्या बोल रहा है भाई? अरे भाई बबलू ये क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 2 करोड़ तुमने तो बोला था कि तुम्हारा बजट मार्केट रेट से कम होगा। भिड़े भाई ने पूछा कि कितने पैसे हो गए, मैंने बता दिया। थोड़ी ना होता है यार। अरे सोड़ी तू समझा नहीं, वो 2 करोड़ पैसे की बात कर रहा है, रुपए की नहीं। 2 करोड़ पैसे मतलब 2 लाख रुपए? हाँ भिड़े भाई 2 लाख के आसपास हुआ, कल मैं बिल भिजवा देता हूँ। चलिए चलता हूँ, भगवान करे जल्द से जल्द गोकुल धाम में वापस आना पड़े। क्यों? नहीं नहीं मेरा मतलब ये था कि मेरे दोस्त पोपटलाल की जल्दी शादी तय हो जाए तो दोबारा आना पड़ेगा ना। तो फिर बबलू भाई उसका कोई गारंटी नहीं है। अय्यर भाई
अरे भाई मेरी शादी जल्द से जल्द करवाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है और आप लोग ही ऐसा बोल रहे हो। पोपट बेटा हर काम का समय तय होता है। लेकिन मेरा समय कब आएगा चाचा जी? आएगा पोपटलाल बहुत जल्दी आएगा, लेकिन अभी मेरे जाने का समय हो गया। चलो चलो थैंक यू बबलू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ऑलराइट यार ऑलराइट। चलिए नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, सचिकाल जी, थैंक यू, मिलते हैं। ओके जी, चलो बाय, टेक केयर। बाय 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 जी, टेक केयर। अच्छा भिड़ अंकल, काम हो गया, उस खुशी में हम लोग ने पार्टी की अरेंजमेंट कर ली है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोसाइटी की तरफ से सबको एकदम ग्रैंड पार्टी दूंगा मैं, समोसे और वेफर्स। अरे भिड़े अंकल, इतना बड़ा काम और समोसा और वेफर, ये क्या है भाई भिड़े? समोसा और वेफर कैंसल। तू बड़ा कंजूस है यार। बिल्कुल बिल्कुल, बगा कौन बोलते। अरे भाई सोसाइटी का काम हो, इसमें क्या मैं अभी ढोल नगाड़े बजवाऊं, कैटरर्स बुलवाऊं? अरे ऑफ कोर्स भिड़े अंकल, वो कुणाल भाई ना केटरिंग वाले, उनको हमने बोल दिया है पर डिश सिर्फ 450 रुपए और पटाखे का ऑर्डर भी दे दिया है। बले, 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 बले। अरे वाह बढ़िया। और भिड़े अंकल, उद्घाटन के लिए एक टीवी स्टार को भी बुलाया था पर कुछ बजट में जवा नहीं। सत्यानाश, हम 50,000 दे रहे थे और वो 60,000 मांग रहा था। अरे चलो चलो, मैं साथ चलता हूँ, मैं बात करता हूँ। चलो चलो, क्या मैं साथ चलता हूँ, यहाँ पे चारने की सब्जी और बारने का मसाला हो जाएगा, काम करवाने से पार्टी का खर्चा हो जाएगा भाई। अरे भिड़न कर कैसे कैंसिल होगा, हम लोग ने एडवांस दे दिया है। तो एडवांस वापस दे कराओ। अरे भिंडी मास्टर, टप्पू सेना मजाक कर रही है। वाह वाह टप्पू सेना वाह, यहाँ पे सोसाइटी का खर्चा बढ़ रहा है और तुम लोग ऐसा टेंशन दे रहे हो। सॉरी 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 भिड़े। अरे भिड़े भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हो, काम हो गया ना? तो अच्छा हुआ ना कि बारिश के पहले आपका ध्यान गया। हाँ वरना बारिश में तो पता ही नहीं चलता कि लीकेज कहाँ से हो रहा है, काम और बढ़ जाता। लेकिन अभी सोसाइटी में जैसे पहले था वैसे सब हो गया नहीं? हाँ तो भिड़े अंकल, अभी हम लोग सोसाइटी में क्रिकेट खेल सकते हैं ना? ओए पुत्र, ओ ये भी कोई पूछने की बात है, ये अपना फेमस गोकुलधाम कंपाउंड है, यहाँ पे खुशियाँ हर्ष उल्लास आनंद हमेशा रहता है। ओ खेलो बच्चों, सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम हो गया है तो आज टप्पू सेना जी भर के क्रिकेट खेली। जी भर के नहीं, पैर दुखने तक खेले। ओह देखो तो, आज मेहता साहब ऑफिस से लेट आने वाले हैं, इसलिए अंजलि भाभी कितनी उदास है ना? बबीता जी मैं उदास नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। क्यों कसला टेंशन? माधवी भाभी तारक बाहर है ना, तो मुझे टेंशन है कि वो कुछ उल्टा सीधा तला हुआ तेल वाला खाना ना खा ले। बेचारे मेहता साहब। अरे टेंशन मुझे है और बेचारे मेहता साहब। अरे लगता है कोमल भाभी या दया भाभी आ गए होंगे। नहीं नहीं सिर्फ कोमल भाभी होगी, क्योंकि दया भाभी को आज काम है तो उन्होंने कहा है कि वो नहीं आ पाएगी। फ्रेंड्स मस्ती करते है ना, खड़े हो जाओ, छुप जाओ ना। अरे काम काम काम। एक मिनट। हेलो। हाय कोमल भाभी। मुझे रोशन भाभी ने फोन करके कहा था कि आपका काम खत्म हो जाए तो हम सब अंजलि भाभी के घर मिलते हैं। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है कि रोशन भाभी ने आपके साथ मजाक किया है। रोशन भाभी की खबर लेनी पड़ेगी। अरे कोमल भाभी, रोशन भाभी की खबर लेने के लिए आपको उनके घर जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे खबर ले लो। पर रोशन भाभी वगैरह यहाँ नहीं है ना। हाँ तो क्या हुआ? अच्छे खासे मजाक करने के मूड में। कोमल भाभी हम गोकुलधाम वासियों का जीवन मंत्र ही है, हंसो मजे करो और खुश रहो। बस। और हम लोग 70-80 साल के भी हो जाएंगे ना, ओहो टचवर्ड, तो भी हम लोग ऐसे ही मस्ती करेंगे। और हंसेंगे। मैं ना कभी कभी ये सोचती हूँ कि हम लोग जब 70-80 साल के होंगे ना तो कैसे दिखेंगे, बिना दांत के सुंदर ही दिखेंगे। करेक्ट माधवी भाभी, ब्यूटिफुल गॉर्जियस यंग ओल्ड लेडी। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ। नहीं नहीं, अरे अंजलि भाभी हम लोग अभी खाना खा के आए, रहने दीजिए ना। हाँ और आप बैठिए, हम लोग गप्पे मारते हैं। ठीक है, इसे एक काम करती हूँ, मैंने एक बहुत अच्छी चीज बनाई है वो लेके आती हूँ। आप बैठिए अभी लाई। अरे अंजलि भाभी ने क्या बनाया होगा? मेहता साहब के लिए करेले या नीम का जूस बनाया होगा और मेहता साहब लेट आने वाले होंगे, मतलब ये करेले या नीम का जूस हमें पीना पड़ेगा। हाँ लेकिन अभी उनका मन रखने के लिए तो पीना ही पड़ेगा ना हमें। अच्छा
तो हम सब की तरफ से वो करेले का जूस आप पी लेना। डेंटन, मेरी प्यारी सहेलियों, आपके सामने उपस्थित है एक छोटी सी नई उभरती कलाकार जो वेस्ट में से बेस्ट बनाती है। आपके सामने पेश किया जा रहा है उस छोटी सी कलाकारी का नमूना। कैसा लगा? सुंदर थैंक यू सो मच। वाह 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 अंजलि भाभी, आई एम श्योर मेहता साहब ये छाता देखकर कविता बनाएंगे। ए मेरी मनचली अंजलि, क्या कहूँ, ये छाता ज्यादा रंगीन है या तुम? ए मेरी दिलवाली, तुमसे क्या कहूँ, तुम्हारी या इस छाते की, किसकी है अदा निराली? अरे वाह वाह वाह, बस 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 माधवी भाभी, आपने जो बोला वो कविता नहीं है, तुकबंदी है। जो भी है। हाँ हाँ हाँ, गहराई वाली कविता तो सिर्फ मेहता साहब कर सकेंगे। ए मेरे चांद के टुकड़े, बस बस मत ढाओ मुझ पर जुल्म ए हसीनो। ओके, अपन कुछ भी कहो, ये छाता अगर पोपट भौजी देखेंगे उनको इतना पसंद आएगा कि वो अपने पास ही रख लेंगे। हाँ, ये बात तो है। अरे मैंने ये छाता पोपट भाई के लिए तो बनाया है। अच्छा। और उसके लिए मैंने उनको यहाँ बुलाया भी है और कहा है कि पोपट भाई जल्दी आइए, एक गुड न्यूज है। लगता है पोपट भाई आ गए। अब कोमल भाभी इसे छुपा दीजिए। हाँ हाँ, है ना। गुड इवनिंग अंजलि भाभी। गुड इवनिंग। जैसे ही आपने बताया कि बहुत बड़ी गुड न्यूज है, मैं समझ गया, मैंने अपने सारे काम छोड़ दिए और आपसे मिलने आ गया। थैंक यू। तो आइए। ओ, सारी बहनें यही है। पक्का गुड न्यूज है। सॉरी लेकिन पोपटलाल भाई, शादी का कोई रिश्ता नहीं आया है। हाँ पोपट भाई, सॉरी। अरे इसमें सॉरी क्या अंजलि भाभी, किनारे तक आकर डूबने की मुझे आदत है। ऐसे गुड न्यूज क्या है? आप पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। क्यों? अरे भौजी कीजिए ना। लीजिए, खोलो आके। 1, 2, 3 एंड ओपन योर आईज। ओहो, इतना सुंदर छाता देखिए तुम पहले। वाह 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 अंजलि भाभी वाह, ये मेरे लिए? हाँ पोपट भाई, ये मैंने खास आपके लिए बनाया है, देखो कितना अच्छा पैचवर्क किया है। ओ, क्या बात है, खोल कर देखता हूँ एक मिनट। ये ऐसे खुलता है ना? अंदर ऐसे। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। इस छाते को मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगा, ये बेस्ट गिफ्ट है। बस आप हमेशा ऐसे ही खुश रहिए। अंजलि भाभी मेरे लिए तो आज डबल खुशी का दिन है। डबल खुशी? हाँ, गोकुलदास सोसाइटी की रिपेयरिंग का काम हो गया और मुझे इतनी बढ़िया गिफ्ट मिल गई। ये बात। पोपट भौजी आपको हमेशा जीवन में ऐसी खुशियाँ मिलती रहे और जल्द ही आपको 36 गुण वाली सुकन्या भी मिल जाए। बस और क्या, फिर तो गोकुलधाम में और कोई टेंशन नहीं, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। आमीन आमीन आमीन। सच में बहनों, जब भी आप लोगों की ऐसी बातें सुनता हूँ ना तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहने इसी तरह खुश रहे, हंसती रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट, मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगा। You welcome. आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। हेलो, बाय बाय बाय। हाँ हाँ सर बोलिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ बोलिए ना। बस भगवान करे अब पोपट भाई की जिंदगी में सुंदर सी एक लड़की आ जाए और उनका जीवन खुशियों से भर दे। मित्रों जिस तरह गोकुलधाम की महिलाएं प्रार्थना कर रही हैं पोपटलाल की शादी के लिए, मैं जानता हूँ आप लोग भी पोपटलाल की शादी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे और आप लोग बेकरार भी हैं जानने के लिए कि आखिर पोपटलाल का विवाह कब होगा। हम लोग भी बड़े बेताब हैं, हम चाहते हैं कि पोपटलाल की शादी धूमधाम से हो, लेकिन क्या करें, बेचारे पोपटलाल की कुंडली कुछ ऐसी है, राहु का प्रभाव है या केतु का प्रभाव है या शनि की 7.5 चल रही है, हर बार शादी का लड्डू मुंह तक आते आते रह जाता है बेचारे पोपटलाल। लेकिन इस बार कुछ होने वाला है, मैं बता दूं आपको, पोपटलाल की जिंदगी में कोई ना कोई आने वाली है। अब कौन आने वाली है, कब आने वाली है, किस तरह से आने वाली है, तो मैं कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर है आप सोच लीजिए, आप देखने जा रहे हैं काल की चीज, पोपटलाल की जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है, कोई ना कोई आने वाली है।
लेकिन इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस वक्त ये जानकारी जरूर दे सकता हूँ कि हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के सेनानी हैं और उन तमाम लोगों को सम्मानित करते हैं जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस सप्ताह हम लोग सम्मानित कर रहे हैं मुंबई के श्रेणिक दोषी। थैंक यू। हमने हमारे एरिया में एक स्वच्छता अभियान का एक इनिशिएटिव लिया था जिसे नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था और तारक मेहता की टीम के इतने अच्छे सपोर्ट से हमें आज एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम हमारा काम प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वच्छ भारत सुखी भारत। श्रेणिक दोषी को ढेर सारी बधाई और आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि पोपटलाल की जिंदगी में कौन आ रही है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हमेशा की तरह इस बार भी आपका मेंटेनेंस का चेक नहीं आया है। काम कर अभी आ जाए इधर घर पे। जेठालाल, मैं तुम्हारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करने वाला नट्टू काका बाघा या मगन नहीं हूँ। जो तुम मुझे कहीं भी बुलाओगे चेक लेने के लिए और मैं आ जाऊंगा। तो मैं भी तुम्हारे घर पे चेक देने नहीं आऊंगा। क्या मतलब? कायदे से सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक सोसाइटी की ऑफिस में जमा करने का होता है। तो कायदे के हिसाब से सोसाइटी की ऑफिस का टाइमिंग शाम को 6 से 7:30 के बीच का है। तो एक माला उतरने में क्या इतना आलस कर रहा है? एक माला चढ़ने के लिए तुम आलस नहीं कर रहे हो? अरे मैं आलस नहीं कर रहा हूँ भाई, जरा समझ। देख, मैं अपने घर से एक माला नीचे उतरूंगा, फिर तुम्हारे घर पे एक माला चढ़ूंगा, फिर तुम्हें चेक देने के बाद वापस एक माला उतरूंगा, तो 3 बार उतर चढ़ हो जाएगी ना।